how was the movie? Excellent. What do you like to say about the performance of Prabhas and Chandra? It's too good. Too good. Must watch. Okay, what do you like to say about the action sequence? See, I'm not a very action fan, but I like Prabhas. For him, I came for the movie. And it suits his character. He's done full justice. Okay, how much time is that to be out of 5? 5 out of 5. It's a good movie. Everybody should watch it. कितना स्टार देना चाहिए 5 out of 5? It's for me it's 5. I really love the movie. डायरेक्शन सुजीत का बहुत अच्छा लगा उनकी, जैसे देखा जा रहा है कि दूसरी मूवी है तो उस हिसाब से बहुत बड़ी बजट की फिल्म है, तो उस हिसाब से इनका बहुत अच्छा रहा. एक्शन थ्रिलर और उस बीच बीच में रोमांस भी बहुत अच्छा, तो ओवरऑल बहुत गुड. मेरी तरफ से 5. ओके थैंक यू. बहुत अच्छी फिल्म थी, हॉलीवुड टाइप फिल्म थी और प्रभास सर का एक्शन भी अच्छा था. उसमें एक सीन था चैपमैन का, वो बहुत अच्छा था. मतलब चैपमैन रहता है ऊपर से प्रभास सर के पीछे आता है ऐसा. मस्त. बैड बॉय. क्या हम कह सकते बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ सकता है? The Saiya song, it was very enjoyable, and the love song between Shraddha and Prabhas, it was very lovely. Okay, 5 out of 5. Prabhas ka debut movie Bollywood mein nahi hai na, Bahubali bhi aaya tha. But ये तो bilingual है, नहीं है. तो कैसे लगे आपको? हाँ अच्छा अच्छा. प्रभास का डबिंग भी अच्छा किया है. मेरे को लग रहा है कि प्रभास खुद किया है, लग रहा है, लेकिन अच्छा किया. कोई केमिस्ट्री की बात करें श्रद्धा और प्रभास की, प्रभास और श्रद्धा की केमिस्ट्री अच्छा है, लेकिन क्या बोलेगा, अगर श्रद्धा के जगह पे कोई दूसरा होता तो मेरे को थोड़ा और अच्छा लगता है, क्योंकि प्रभास जैसा एक स्टार, श्रद्धा अच्छा नहीं है ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रभास जैसा एक मैचो मैन को थोड़ा मैच करने के लिए कोई दूसरा जैसा चाहिए, अनुष्का जैसा नहीं तो काजल अग्रवाल जैसा, ऐसा कोई है. एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, वहाँ की क्राउड इतनी इम्प्रेस हो गई थी. तो प्रभास की माइथोलॉजिकल ड्रामा के बाद अभी ये बाहुबली 1 और 2 के बाद ये मूवी के लिए वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी, और मुझे बहुत अच्छी लगी. बहुत पसंद है, इट्स एन एक्शन थ्रिलर, तो बहुत अच्छे स्टंट्स है, बहुत अच्छे एक्शन सीन्स है. लोगों को अगर ये फिल्म थोड़ी सी एवरेज इसलिए लगी कि थोड़ी ड्रैग हो गई है, तो एडिटिंग के पे ध्यान दिया जा सकता था, क्योंकि साउथ में बनी है तो एडिटिंग पे उतना ध्यान नहीं दिया गया. बट जितने भी रोमांटिक सीन्स हैं, एक्शन सीन्स हैं, बहुत एंटरटेनिंग है. बहुत अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की. प्रभास तो आई थिंक ईच एंड एवरी फ्रेम एक्शन सीन्स में उनकी टक्कर का, आई थिंक रजनीकांत के बाद वो अभी साउथ में काफ़ी ऊपर आएंगे एक्शन सीन में, क्योंकि बाहुबली बहुत अलग टाइप की फिल्म थी. तो इस तरह के यू नो सोफिस्टिकेटेड किरदार में ही इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट, ही इज़ द मेन कैरेक्टर साहो, तो वो उसे अपने कंधों पे लेके इतने अच्छे से उन्होंने अपना रोल निभाया, तो बहुत मज़ा आया देखने. बेस्ट पार्ट मुझे जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं, स्टंट्स हैं, बहुत अच्छे लगे, और उनके जितने भी रोमांटिक सीन्स हैं श्रद्धा कपूर के साथ, वो अच्छे लगे. 3.5.